Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of root mean square velocity of gas molecule. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को मैंने क्लास 11th यूनिट 9th बिहेवियर ऑफ काइनेटिक थ्योरी एंड परफेक्ट गैसेस वहां से लिया है और बहुत बार इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 2-2, 3-3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए दैट्स वाई आई एम हेयर एंड मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा. तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो यू विल गेट रिसीव सम नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइट. देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को. द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन. द न्यूमेरिकल इज एट वट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस. आई एम अगेन रिपीटिंग, एट वट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस. तो चले देखते हैं इसका सॉल्यूशन. वो क्या कह रहा है कि अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो वो क्या टेम्परेचर होगा, वट इज दैट टेम्परेचर जहां पर रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वो मैच हो जाए रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से एट 47 डिग्री सेल्सियस. मींस वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एट टेम्परेचर से 47 डिग्री सेल्सियस पे इसके पास अपनी एक रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है. मैं वो रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी को वी कह देता हूं. मैं कह रहा हूं कि इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, दोबारा सुने, वो कह रहा है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और इस टेम्परेचर पे 47 डिग्री सेल्सियस पे इट विल प्रोसेस सम रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी. तो रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, चले रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी अगर हम बात करें तो दैट इज सी ओ ऑक्सीजन. सी ओ मीन्स रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी सी ओ. वो कह रहा है कि अब वो टेम्परेचर क्या होगा, मुझे नहीं पता. मैं कहता हूं कि वो टेम्परेचर टी होगा जहां पे रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी हाइड्रोजन की वो मैच कर जाए किससे, रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन से. क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन की मैच कर जाए किससे, ऑक्सीजन से. दोबारा सुने, चले एक मिनट के लिए हम यहां पे ऑक्सीजन को ओ एक्स वाई दिखा देते हैं, हाइड्रोजन को एच वाई दिखा देते हैं, सेम यहां पे ओ एक्स वाई दिखा देते हैं. दोबारा सुने क्या कह रहा है. वो कह रहा है ये आपके पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसके पास अगर हम बात करें 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है. मैं कहता हूं सी है, सी ओ एक्स वाई, सी फॉर रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, ओ एक्स वाई फॉर ऑक्सीजन. वो कह रहा है कि अब हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, कौन सा, हाइड्रोजन का. तो किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी से मैच करेगी. मैं कहता हूं वो टेम्परेचर टी है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे ध्यान से सुने. वो क्या कह रहा है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इस टेम्परेचर पे 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है. वो मैंने कह दी सी ओ एक्स वाई, सी फॉर रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, ओ एक्स वाई फॉर ऑक्सीजन. वो कह रहे हैं अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की हम बात करें एच वाई की, तो उस केस में अगर हम बात करें हाइड्रोजन के केस में, तो किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी के बराबर होगी. मैंने कहा कि वो टेम्परेचर टी है. तो चले रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला देखते हैं. रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 3 इज सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मींस रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी का फॉर्मूला है 3 RT/m. यू नो वेरी वेल दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, सी इज इक्वल टू रूट 3 RT/m. तो चले अब इसको सॉल्व करेंगे. पहले मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, सी
ओ एक्स वाई ऑक्सीजन के केस में अगर मैं बात करूं, एट कम्स आउट टू बी 3RT ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय MO मास ऑफ ऑक्सीजन. इसी इक्वेशन नंबर वन. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें एच वाई, तो दैट इज 3RTH बाय MH. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. वो कह रहा है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पे हाइड्रोजन की रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ऑक्सीजन की रूट मीन स्केयर वेलोसिटी से मैच होगी. मैं कहता हूं वो टेम्परेचर टी है. तो इसका मतलब यहां पे टीएच को हम रिप्लेस करेंगे किससे, टी से, और वही टी हमें फाइंड आउट करना है. तो जहां पे सी एच वाई इज इक्वल टू सी ओ एक्स वाई के बराबर होगा, वो टेम्परेचर है मान लेते हैं टी. तो ये टी निकालना है. तो अगर आप इसमें रखेंगे तो दैट इज रूट 3RT अपॉन MH इज इक्वल टू रूट 3RTO बाई MO. इस टेम्परेचर के ऊपर जो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है हाइड्रोजन की, वो ऑक्सीजन से मैच हो जाएगी. तो चले अब हम इसको स्क्वेयर रूट करते हैं दोनों साइड के ऊपर. टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो 3RT बाई MH इज इक्वल टू 3RTO बाई MO. 3R से 3R कट गया, तो आपके पास आया T बाई MH इज इक्वल टू TO बाई MO. हमें टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर कैसे निकलेगा, दैट इज MH TO बाई MO. नाउ मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे आप ध्यान देखिए, उसने हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात की है. तो हाइड्रोजन का जो मास होता है 1H1, इसका मास जो होता है दैट इज 1, लेकिन दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं तो मास बनेगा 2. इसका मतलब MH होगा 2. नाउ व्हाट इज टी नॉट, टी ओ टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन. टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है 47 डिग्री सेल्सियस. इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 47 प्लस 273 दैट कम्स आउट टू बी 320 केल्विन. तो 320 केल्विन डिवाइडेड बाय MO मास ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है. ऑक्सीजन होता है 8 oxygen 16. ऑक्सीजन का मास है 16. दो ऑक्सीजन की बात हो रही है बिकॉज दो ऑक्सीजन एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल. तो 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32. तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 32. तो 2 16 जा 32, तो आंसर इज 20 केल्विन. तो इसका मतलब वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पे रूट मीन स्केयर वेलोसिटी आपकी हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से मैच होगी. वो टेम्परेचर होगा 20 केल्विन जहाँ पे रूट मीन स्केयर वेलोसिटी हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से मैच होगी. सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल. बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पेपर में पूछा जा सकता है. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा. फ्रॉम देयर यू कैन सी द न्यूमेरिकल एंड लर्न फ्रॉम दैट कि इफ इट इज़ टू बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन योर फाइनल एग्जाम देन हाउ वी कैन सॉल्व इट. सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, देन प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.